गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें। आप लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट या फिर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? अच्छी आदतें चाहिए, तौर तरीके चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। हम लोग तभी ना एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे या फिर एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? अच्छी अच्छी आदतें या और तौर तरीके सीखने चाहिए। सो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वी लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एट होम। हम लोग जो हैं वो हम लोग अच्छी आदतें, अच्छे तौर तरीके वो किससे सीखते हैं? हमारे पेरेंट्स यानी कि माता पिता से सीखते हैं घर पे। वी ऑल्सो लर्न देम फ्रॉम आवर टीचर्स इन द स्कूल। और यही चीज़ें हम अपने टीचर से स्कूल में सीखते हैं। जैसे कि सभी बच्चों को कहा जाता है उनके पहले जो टीचर होते हैं उनके माता पिता होते हैं, क्योंकि वो लोग जन्म से ही उनके साथ में होते हैं। तो वो बच्चों को सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, अच्छे आदतें सिखाते हैं, किससे किस तरीके से बात करना है वो सिखाते हैं, किसके सामने किस तरीके से बोलना है, बैठना है, उठना है, ये सब उनको सिखाते हैं। और टीचर्स भी हम लोगों को क्या करते हैं? अच्छी आदतें सिखाते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? उसमें आपको मैं सिखा रही हूँ कि कैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे इजी तरीके से बताती हूँ कि आप लोगों को वो जल्दी जल्दी समझ में भी आए। ठीक है। We wish our elders at home and our teachers in the school। हम लोग अपने घरों में अपने से बड़ों को और छोटों को या फिर टीचर्स को क्या करते हैं? उनको विश करते हैं। जैसे कि आप लोग जब भी स्कूल जाते होगे तो अपने टीचर्स को कैसे विश करते हो? गुड मॉर्निंग मैम, या फिर गुड मॉर्निंग सर, या फिर गुड मॉर्निंग मिस। वैसे ही घर में भी जब हमारे से बड़े जो हैं उनको हम लोग क्या करना चाहिए? विश करना चाहिए। आप लोग जो भी नहीं करते हो तो आप लोगों को भी ये चीज करना चाहिए, वो होता है गुड हैबिट्स में। ठीक है। एवरी वन लव्स अ वेल मैनर्ड चाइल्ड। हर लोग जो है उन लोग को एक बहुत ही अच्छे तौर तरीके से सीखे हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। जैसे कि जो बच्चा हर किसी के सामने अच्छे से रहे, डिसिप्लिन में रहे, उनसे अच्छे से बात करे, तो वो वैसा बच्चा सबको अच्छा लगता है। जैसे तुम लोग भी अगर जब भी कोई घर में गेस्ट आता है तो उनको अच्छे से विश करना, जैसे नमस्ते बोलना, उनका पैर छूना, या फिर उनके सामने अच्छे से डिसिप्लिन में रहना, तो उनको भी अच्छा लगता है। जैसे वो भी बताते हैं कि हाँ ये बच्चा इतना अच्छा है या फिर इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन में है। तो आप लोगों को भी उसी तरीके से रहना चाहिए। ए वेल मैनर्ड चाइल्ड यूजेस पोलाइट वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। और एक अच्छा बच्चा जो है वो ऐसे पोलाइट वर्ड का यूज करता है, जैसे कि थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। जब भी आप लोगों के सामने कोई अच्छे से आपसे बात करे तो आप लोगों को इन तीन चीजों का अच्छे से यूज करना चाहिए, इन वर्ड्स का यूज करना चाहिए। जैसे कि वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव अस समथिंग। हम लोगों को जब कोई कुछ देता है तो हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। जब भी तुम लोग को बर्थडे वगैरह में या फिर ऐसे ही किसी दिनों में कोई कुछ अगर देते हमसे, हमारे बड़े कुछ हम लोगों को देते, तो हमको उनको बदले में क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमको उनको रिस्पेक्ट देना है। तो हम लोग उसको थैंक यू बोलेंगे तो वो हम लोग क्या करेंगे? अच्छे बच्चे समझेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को जब भी कोई कुछ देता है तो आप लोगों को उसको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। ठीक है। व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस वी से वेलकम। अब जब हम किसी को थैंक यू बोलेंगे तो वो हम लोगों को बदले में क्या बोलेगा? बोलेंगे वेलकम, क्योंकि ये भी एक मैनरेबल चीज है, अच्छी आदतों में से एक है। वी शुड से सॉरी व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। अब जब हम लोग से कभी कोई गलती हो जाए तो हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? सॉरी। ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपके सामने है, जिसके सामने आप लोगों ने गलती किया है, जब भी आप उसको सॉरी बोलते हो तो वो आपके गलती को माफ कर देते हैं। कभी भी तुम लोगों को कोई गलती हो जाए तो तुम लोगों को हमेशा सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि वैसे करने से आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे, मैनरेबल स्टूडेंट बनोगे,
ठीक है, वी शुड से प्लीज व्हेन वी आस्क समबडी फॉर समथिंग। और हम लोगों को प्लीज कब बोलना चाहिए था, जब भी हम कोई चीज करने के लिए किसी से पूछते हैं या फिर कोई सामान लेने के लिए किसी से पूछते हैं तो उसको हमको प्लीज बोलना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे किसी के चीज को हमेशा टच नहीं करना चाहिए, वो बैड हैबिट होती है। ठीक है, आप लोग जैसे इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ लर्निंग गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें हैं, जिसमें से कि आप लोग यहाँ देख सकते हो फर्स्ट फिगर में ये जो दो गर्ल्स है इनमें से एक का बुक गिर गया है तो वो क्या बोल रही है इसको, आई एम सॉरी यानी कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख सकते हो ये जो दो स्टूडेंट है वो एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो वो बदले में क्या बोल रहे हैं, थैंक यू। नेक्स्ट है, जब भी एक छोटा है और एक बड़ा कोई है उनसे जब वो कोई चीज़ पूछ रहा है या फिर मांग रहा है तो वो क्या बोल रहा है, प्लीज़। तो आप लोग को भी इसी तरीके से एक मैनरेबल स्टूडेंट के तरह ये सब वर्ड्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे देखें, गुड एंड हेल्दी हैबिट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। गुड, अच्छी और स्वस्थ आदतें जो है हमारे डेली लाइफ के रूटीन का एक हिस्सा है। वी शुड फॉलो सम गुड हैबिट्स विच हेल्प अस, और हम लोगों को कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जिसका हेल्प हमेशा करना चाहिए। जैसे फर्स्ट है, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड विश आवर एल्डर्स। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोग घर में उठते हैं सुबह या फिर स्कूल वगैरह जाते हैं तो हम लोग हमारे एल्डर्स को क्या करते हैं, विश करते हैं गुड मॉर्निंग मैम या फिर गुड मॉर्निंग मिस। वैसे ही जब भी हम घर में होते हैं तो हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमको हमारे बड़े से लोगों को क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ठीक है, आप लोग जो भी नहीं बोलते हो, बोलते हो, अगर नहीं बोलते हो तो आप लोग भी बोला करो। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शुड ब्रश आवर टीथ बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर हैविंग डिनर। और जब भी आप लोग सुबह का नाश्ता करते हो या फिर डिनर करते हो उसके पहले क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो वो क्या हो रहा है, फ्रेश हो रहा है। ब्रश करने से हमारा टीथ जो है वो होता है क्या, क्लीन होता है, उसमें कैविटीज नहीं होती है। अगर आप लोग ब्रश नहीं करोगे तो आपके मुंह से स्मेल आएगा जो कि बहुत ही बैड मैनर्स है। तो आप लोगों को हमेशा ब्रश करना चाहिए और ब्रश दो टाइम करना चाहिए, एक बार सुबह में और एक बार रात में। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शुड बाथ एवरी डे। और हम लोग को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। वी शुड कीप आवर आइज नोज एंड ईयर्स क्लीन, और हम लोगों को हमेशा हमारे आँख नाक और कान हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है, वी मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ्स, और हम लोगों को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, और सबको हमेशा ब्रेकफास्ट टाइम पे करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे जो है कभी कभी बिना नाश्ता किए स्कूल आ जाता है या फिर वो ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से करने से वो क्या कर सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। अगर उनके पास एनर्जी नहीं रहेगा, वो ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं करेंगे तो ना वो स्कूल में ढंग से पढ़ पाएंगे आप लोग और ना ही खेल पाओगे। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा ब्रेकफास्ट टाइम पे करके आना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हम लोगों को हमेशा अपने हाथ को धोना चाहिए खाना खाने के बाद और पहले भी। ठीक है, जिससे हाथ धोने से हमारे जो हैंड्स के जो भी वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। वी शुड कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, हम लोगों को हमेशा हमारा घर साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डस्टबिन में वो सफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, वी शुड ईट हेल्दी फूड, और हम लोगों को हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी मस्ट थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, और हम लोगों को हमेशा कचरा क्या करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सो आप लोग इतने सारे गुड हैबिट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना और आप कॉपी में राइट भी कर लेना। ठीक है, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। ओके।